नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 दिसंबर 2020 की 9 बड़ी भर्तियों के बारे में। दोस्तों, इन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्तियों के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास या ग्रेजुएट हैं या आपके पास और भी अन्य कोई क्वालिफिकेशन है तो इन सभी भर्तियों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार ही अप्लाई कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करना और कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। इंटरव्यू के बेसिस पे या मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आज की सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखे हैं, आप लिंक वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। और आइए बात कर लेते हैं इन सभी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की पहली भर्ती है बेसिल्स की, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की। और इसमें पोस्ट के नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट तथा अकाउंट्स मैनेजर। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीकॉम तथा पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें 45 साल और 63 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, इसमें वेरियस वैकेंसियाँ, जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 30,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस भर्ती में 450 रुपये से लेकर 750 रुपये फीस है। 16 दिसंबर 2020 इस क्लास डेट है। दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन नई दिल्ली है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://www.basil.com। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 2 है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की और इसमें पोस्ट के नाम है ग्रेड 4 तथा ड्राइवर। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8वीं पास या 10वीं पास। इसमें 18 साल से 40 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, टोटल 50 यानी कि 50 वैकेंसी है। दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो ग्रेड 4 के लिए दोस्तों पे स्केल होगा 14,000 रुपये से लेकर 60,500 प्लस ग्रेड पे 3,900 रुपये दोस्तों। और ड्राइवर का पे स्केल होगा 14,000 रुपये से लेकर 60,500 प्लस 5,200 ग्रेड पे। दोस्तों, इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 7 दिसंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2020। दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन गुवाहाटी यानी कि आसाम है। और इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://dhs.assam.gov.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 3 है विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की और इसमें दोस्तों पोस्ट के नाम है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल तथा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों रिलेवेंट डिसिप्लिन में। इसमें 20 साल से लेकर 42 साल तक की एज लिमिट है। दोस्तों, 201 इसमें वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 9 की सैलरी मिलेगी और आपका पे स्केल होगा 53,100 से लेकर 1,67,800। दोस्तों, इस भर्ती में 150 रुपये से लेकर 500 रुपये फीस है। दोस्तों, 7/12/2020 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 8 जनवरी 2020। और दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है इस भर्ती के लिए तो गेट 2019 तथा गेट 2020 के हिसाब से आपके सिलेक्शन होगा दोस्तों इस भर्ती के लिए। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन हरियाणा है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://hvpn.org.in। दोस्तों, आज की भर्ती नंबर 4 है CHMO के ऑफिस से और इसमें पोस्ट के नाम है SDS स्टोर असिस्टेंट, SDS फार्मासिस्ट, DDS फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM, स्टाफ नर्स, ब्लॉक डेटा मैनेजर एंड अदर्स। इस भर्ती के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा तथा मास्टर डिग्री। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, टोटल 42 वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 8,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस भर्ती में 200 रुपये से लेकर 400 रुपये फीस है। 22 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसका लोकेशन दुमका यानी कि झारखंड है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://dumka.nic.in।
दोस्तों आज की भर्ती नंबर 5 है IOCL की, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इसमें भर्ती होनी जा रही है दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल की, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4 की, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी की। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, डिप्लोमा BSc इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। दोस्तों इस भर्ती में 18 साल से 26 साल तक एज लिमिट है, और इस भर्ती के लिए क्रूशल डेटा है 30/11/2020। इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपका पे स्केल होगा 25,000 रुपये से लेके 1,05,000। दोस्तों इस भर्ती में 150 रुपये फीस है। 7 दिसंबर से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020। दोस्तों जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटर्न टेस्ट होगा तथा प्रोफिशियंसी टेस्ट होगा दोस्तों, और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। इसका लोकेशन हल्दिया रिफाइनरी है, और इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://iocl.com। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 6 है ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड की, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की दोस्तों, और इसमें भर्ती होने जा रही है MTS की, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 5वीं पास या 8वीं पास। दोस्तों इस भर्ती में एज लिमिट है 18 साल से 40 साल। टोटल 2,500 यानी कि 2,500 इसमें वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 4,840 से लेके 13,000 तक दोस्तों, और आपको 1,400 रुपये ग्रेड पे भी मिलेगा दोस्तों। इस भर्ती में 150 रुपये से लेके 200 रुपये फीस है दोस्तों। 28 दिसंबर 2020 से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 फरवरी 2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। दोस्तों इस भर्ती में ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें एग्जाम होगा तथा इंटरव्यू होगा, और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन त्रिपुरा है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://employment.tripura.gov.in। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 7 है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और इसमें पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल तथा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। दोस्तों इस भर्ती में 18 साल से 40 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। दोस्तों दो इसमें वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो लेवल 6-7 की आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों। आपका पे स्केल होगा 44,900। इस भर्ती में 700 रुपये से लेकर 1,000 रुपये फीस है दोस्तों। 4/12/2020 से इस भर्ती के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया दोस्तों। 28 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा, और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://www.upenergy.in। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 8 है डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी की, और इसमें पोस्ट के नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर तथा योगा इंस्ट्रक्टर। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन। इसमें 32 वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको 8,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी दोस्तों। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 15 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा दोस्तों, और इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन महेंद्रगढ़ यानी कि हरियाणा है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है https://mahendragarh.gov.in। दोस्तों आज की भर्ती नंबर 9 है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, और इसमें पोस्ट के नाम है मल्टी टास्किंग वर्कर, फील्ड वर्कर, टेक्नीशियन 3, रिसर्च असिस्टेंट तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर। दोस्तों इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास, बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री। इसमें 25 साल और 30 साल तक की एज लिमिट है दोस्तों। टोटल 20 वैकेंसी है। सैलरी आपको इस पर नोटिफिकेशन दी जाएगी दोस्तों। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है। 7/12/2020 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें टेस्ट इंटरव्यू होगा, और इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, और इसका लोकेशन जोधपुर यानी कि राजस्थान है दोस्तों। इस भर्ती के लिए वेबसाइट है http://dmrcjodhpur.nic.in। तो दोस्तों ये था सौ डिटेल आज की 9 बड़ी भर्तियों का। इन केस आप इन भर्तियों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।